दोस्त, शिव गुफा से तो मैं नीचे आ चुका और ये रास्ता जाता है यहाँ पे माता शक्ति का पीठ का मंदिर है। यहाँ पे माता शक्ति का वो है, यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन करके फिर आता हूँ, फिर निकलते हैं घर को। तो चले चलता हूँ मैं उस तरफ। आ जाना अब तरसा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ माता शक्ति पीठ के मंदिर में, तो माता शक्ति पीठ के दर्शन करते हैं और चलते आगे को। ये रहा यहाँ पे गेट, तो बढ़ते आगे और काफी अच्छा मंदिर है, तो बने रहा ब्लॉग में, दिखाता हूँ मैं आपको। मंदिर और हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर में, तो अब चलते आगे को और करते हैं यहाँ पे दर्शन। और इधर है तो चलिए, तो चलते मंदिर के दर्शन करते। और यहाँ पे काफी अच्छा व्यू है और ये रहा मंदिर। तो यहाँ पे पंडित जी अभी खा रहे खाना। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए यहाँ पे और मैंने यहाँ पे जोत दे दी, तो अब चलते हैं और निकलते हैं बाहर को। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन हो गए और ये रहा यहाँ पे काफी अच्छा मंदिर है माता रानी का यहाँ पे। तो दोस्तों माता का मंदिर काफी बड़ा है यहाँ पे और काफी अच्छा है और लोकेशन भी काफी अच्छी है, और मैं तो अकेले ही आया हूँ यहाँ पे।
कौन से होंगे? और यहाँ पे भी माता रानी की मूर्ति है, जय हो माता रानी। तो ये भी माता रानी की मूर्ति है और ये यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ पे माता रानी के मंदिर के दर्शन भी हो गए और पंडित भी मिल गए मुझे, और उन्होंने मुझे ये केले दिए खाने के लिए प्रसाद के रूप में। तो अब चलते हैं वापस। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर ले, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है। और पंडित जी ने कहा है यहाँ पे 14-15 अप्रैल को मेला लगता है कैलाश मंदिर में, तो ज़रूर आना। तो मैंने बोल दिया कि हाँ जी पक्का आएंगे। तो अब चलते हैं वापस और माता रानी के दर्शन कर लिए और प्रसाद भी मिल गया मुझे। तो ये था यहाँ पे श्रीनगर कोटी शक्तिपीठ पट्टा घाट में पधारने के लिए माँ नगर कोटी सेवा समिति हुए हार्दिक में स्वागत तक के दर्शन भी कर लिए। और अप्रैल में यहाँ पे मेला लगता है, तो उन्होंने कहा 14-15 अप्रैल को आ जाना। तो चलिए